हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एवरग्रीन माउंटेन लाइफ सिमुलेटर की एक और नई मजेदार गेम प्ले वीडियो में। पिछली वीडियो में गाइस हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत हंटिंग किया था, थोड़ा बहुत घर पे काम किया था और ये है अपना छोटा सा घर जो कि अभी तक हमने बनाया है। आज हम थोड़ी और हंटिंग करेंगे। सबसे जरूरी चीज की आज हम बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं, क्योंकि मैप में मैंने देखा था ना, यहाँ पर बहुत सारे लोकेशन है जो हम परचेस कर सकते हैं और इसको परचेस करने के लिए अपने को बहुत सारे पैसों की नीड पड़ने वाली है। पिछली बार हम यहाँ पर गए थे ना वॉच टावर पे, जा नहीं पाए थे, रात हो गया था, मैं वापस चला आया था। आज हम इस वॉच टावर पे भी चलेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो चलो फटाफट से चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। जितने भी सारे लोग चैनल पे नए आएंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अभी मेरे शॉटगन में ना एक एमओ पड़ा हुआ है और गाइस हम स्कोप भी ले सकते हैं क्या? अगर स्कोप ले सकते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ना बहुत मुश्किल हो रहा है हंटिंग करना, क्योंकि लगता ही नहीं है। अगर देखो ये मैं पूरा प्रॉपर ऐसे एम करके मार रहा हूँ फिर भी इसको नहीं लगेगा। लग गया क्या? कभी कभी गलती से लग जाता है और ज्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है, बट चलो इस बार अच्छे से लग गया है। बैज अनलॉक, किस बात का बैज अनलॉक हुआ है? कैसे देखे बैज को? वेट, आई से ओ कौन सा बैज अनलॉक हुआ है? लंबर जैक मेरे पास पड़ा हुआ है 1 का और ये क्या है, लंबर जैक 2। तो अगर 60 ट्री कट कर दूंगा तो ये भी अनलॉक हो जाएगा और 100 ट्री कट करूंगा तो लंबर जैक 3। भाई लंबर जैक 3 तो मैं कर ही सकता हूँ, 55 ट्री कट कर दिया है, 45 और कट करने हैं, हो जाएगा, इजी पीजी है ये तो। बाकी इधर को भी है, हमने इतनी सारी शॉपिंग कर दी, 1500 स्पेंड करना था, हमने 1500 स्पेंड कर दिया। हंटर का भी मुझे मिल चुका है लूट 10 एनिमल, तो ये भी हो चुका है, तो ये सारे बैज अपने को मिल रहे हैं। ओके, और अभी अभी हंटर वाला ही मिला था ना, ये वाला, हाँ अभी अभी ये मिला था। बहुत सारे यहाँ पर बैज हैं, ग्रोवर 3rd का, हार्वेस्ट 50 प्लांटर। अच्छा तो ये जो प्लांटर हमने लगाया था इसको हार्वेस्ट करना है, इसमें पानी देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि पानी नहीं देंगे तो ये ग्रो ही नहीं होगा। और भी यहाँ पर बैज हैं जो देख लेते हैं, और ये सब एनिमल कलेक्ट करने हैं। एक्सप्लोरर 2nd, फाइंड द टेलीस्कोप, ये कहाँ मिलेगा भाई? फाइंड द फायर वॉच टावर, फायर वॉच टावर अब ये भी है, और ये क्या है, फाइंड द लुकआउट। भाई कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, फाइंड द वाटरफॉल, वाटरफॉल भी है, केव 2 है और आइलैंड है यहाँ पर, कवर्ड ब्रिज, पोर्ट है। भाई बहुत सारी चीजें, मतलब एक्सप्लोर करने में तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले। ये वाले वॉच टावर पे तो अभी चलता हूँ, क्योंकि अभी ये दिखा रहा है ना, ये वाला बैज भी अनलॉक कर ही लेता हूँ। अभी डे का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, भूख तो लगा हुआ है मेरे को और मेरे पास खाने के लिए सामान भी है, और ये सब तो मैं ले जाके बेचने वाला हूँ। तो अभी मैं फट से निकलता हूँ यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं, पिछली बार गए थे बट काफी ज्यादा रात हो गया था तो मैं वापस चला आया। भाई जब हंटिंग करता हूँ तो इतने सारे एनिमल दिखते ही नहीं है, अभी हंटिंग नहीं कर रहा तो देखो कितने सारे दिख रहे हैं। भाई हमारे साथ भी अन्याय होता है हर वक्त यार, जब जो काम करने जाओ वो तो कभी नहीं होता है, जो ना करो वो सामने ही दिखते रहता है। सही है भाई, चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, बाकी ये काम और करूंगा यहाँ पर ना, ये सब घर वगैरह भी देखते चलूंगा कि किसको मैं परचेस कर सकता हूँ और कितने पैसे लगने वाले हैं। अभी हमारे पास ज्यादा पैसे है नहीं, 1500 रुपए पड़े हुए हैं, बट पैसे तो हम कलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक रिवर भी जाती है और अभी मुझे फिशिंग का भी देखना है, मैंने वहाँ पर फिशिंग बेट देखा था ना, वो भी परचेस करेंगे, देखते हैं फिशिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आज देखनी है। इस वाले हाउस पे देखो हम यहीं से जा सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी पे। बाकी अभी एक काम करता हूँ, आते टाइम वहाँ पर जाऊँगा, मैं सबसे पहले वॉच टावर पे चलता हूँ, आते टाइम हर एक जगह को एक्सप्लोर करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितनी दूर है भाई, अच्छा अभी हम पेट्रोल पंप तक आए हैं, बस रात ना हो जाए। वैसे टाइमिंग इनको दिखाना चाहिए था ना, गेम में ऐसे टाइम दिखते रहता है तो हमें पता चलता है कि रात होने वाला है, दिन होने वाला है, ऐसे तो पता ही नहीं चलता भाई कि कब रात होगा कब दिन होगा, कुछ छता पता नहीं चलता। एक यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये भी चल के देखूंगा, अगर ये अच्छा रहेगा तो मैं यहाँ पर परचेस करूंगा। पिछली बार हमें रोड ही नहीं मिला था भाई, देखते हैं रोड है भी या हमें पैदल चल के जाना होगा। वैसे रोड दिखा तो नहीं रहा, ये देखो पिछली बार मैं इधर ही कहीं से पहाड़ से चढ़ा रहा था और चढ़ ही नहीं पा रहा था कार। भाई नहीं जा पाएगा यहाँ से, तो कभी भी कार नहीं जा पाएगा, ये क्या बात होती है भाई, ऐसी जगह वॉच टावर कौन बनाता है जहाँ पर जाने के लिए रास्ता ही ना हो। भाई कोई रोड नहीं दिख रहा, मैं सोच रहा हूँ ना इधर साइड से कहीं से ऐसे चढ़ा के लेके चलूँ कार को। यहाँ से जा सकते हैं क्या? वेट, ये कोई बोर्ड लगा हुआ है, पैदल जाने का बोर्ड लगा हुआ है भाई, ये क्या है, हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा? बड़ा ही नल्ला है यार, वॉच टावर बना लिया, पैदल जाने के लिए रास्ता बनाया है गधे ने, कार लेके नहीं जा सकते? भाई कार है हमारे पास तो जाने दो ना, तुम पैदल जाते हो हमें क्या उससे, हमें तो जाने दो कार से।
वैसे जा सकते हैं गाइस, कार तो हमारी जा रही है। सही है सही है सही है, चलो चलो चलो। बंद हो जा रही है भाई ये, इसके इंजन में लगता है मुझे पावर ही नहीं है। हैं? अरे अटक गई, पीछे जा। अच्छा पीछे चली जा भाई, सॉरी यार, माफ़ कर भाई, पीछे चली जा, निकल जा। रिस्पॉन कर सकता हूँ क्या इसको? गाइस हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आगे लेके गया ना तो मैं फंस जाऊँगा, ये जा ही नहीं पाएगा। इधर जाना है भाई, एक सेकेंड, इधर उधर अपने को इधर जाना है। चलो कोई बात नहीं, पैदल ही जाते हैं। मुझे लगा था मैं साड़ा बन लेता हूँ, चला जाऊँगा मैं, बट नहीं हो पाया, मैं फंस गया। ये क्या बात है भाई, ओ नाइस, मस्त सीढ़ी वगैरह बना रखा है। सही है सही है, ओके। तो ये है वो वॉच टावर, जे बात, यहीं पर आना था अपने को। चलो चलो चलो, बैज अनलॉक, ओके। तो बैज इसका अनलॉक हो गया, यहीं पर आना था अपने को, हम यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे है यहाँ पर क्या, ये क्या है? बस इसके लिए आए थे हम, बैज अनलॉक करने के लिए। ओ भाई क्या व्यू है गाइस, ये देखो हर साइड को पहाड़ है। और टोपी वाले अंकल, ये कौन है भाई, इससे बात भी नहीं कर सकता। शॉप, ये क्या शॉप है? फ्रेम्ड बैज, ये फ्रेम है, ये मैं बाई करके घर में लगा सकता हूँ ऐसा क्या? बट ये बैज मेरे को मिला हुआ है ना, हंटर फर्स्ट का बाई कर सकता हूँ, ये बाई कर सकता हूँ और ये बाई कर सकता हूँ। इसका यूज़ क्या है? अगर बैज है, फ्रेम्ड बैज है, तो मतलब घर में लगा सकते हैं, यही ना? और ये सब अदर्स में लॉक पड़े हुए हैं। क्या नल्ली चीज़ है भाई, मेरे को लगा कुछ खतरनाक चीज़ मिलेगा यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ बैज खरीदने के लिए आए थे हम। चलो ये भी मैंने एक्सप्लोर कर लिया, मुझे लगा था कुछ तो क्रेजी होने वाला है, बट यहाँ पर कोई भी क्रेजी चीज़ नहीं है गाइस, यहाँ पर सिर्फ एक नल्ला है टोपी पहन के खड़ा है। वैसे मेरे को भूख लगने वाला है, काम करता हूँ थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, ये भी ये भी। चलो पेट एकदम हो चुका है फुल, और हमारी कार है सामने को, फटाफट से चलते हैं कार पे, फिर चलते हैं शॉप पे, थोड़ी बहुत चीज़ें सेल करेंगे और बुलेट बाई करेंगे थोड़ी सी हंटिंग करने के लिए, क्योंकि एक भी बुलेट नहीं है। बुलेट रहता तो मैं यहाँ से कितने सारे एनिमल को मारता। लम्बर जैक सेकेंड का बैज भी अनलॉक हो गया, अभी मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्री भी कट कर लेते हैं, और यही ट्री कट करते करते हमारा ये वाला बैज भी अनलॉक हो चुका है। आज ये वाला बैज भी अनलॉक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपने को थोड़े से और ट्री कट करने हैं ना, ये भी बैज अनलॉक कर देंगे। और देखते हैं कि कुछ और नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, केव वगैरह है और कोई ब्रिज वगैरह है, तो देखते हैं उसमें से किसी एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ शॉप के लिए, अभी मेरी कार यहाँ से निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुआ भाई आगे लेके नहीं गया, नहीं तो आगे जाके फंसता ना तो बहुत दिक्कत हो जाता। वैसे भी ये यहाँ पर बंद हो जा रही है, इसके इंजन में पावर तो बिल्कुल नहीं है भाई। और ये जो दो प्रॉपर्टी हमें देखनी थी ना, वो भी देख लेते हैं कि कैसा है वो, अगर हम खरीद सकते हैं ना तो हम इसको खरीदेंगे और वहाँ पर अपना एक घर बनाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर जाने के लिए रोड है भी या पैदल यहाँ पर भी जाना पड़ेगा? नहीं, शायद से कार जा सकती है। ओ नाइस, जा सकती है क्या? चलो 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 चलो, अरे नहीं यार, नहीं जा पा रही हैं, फिर बना किस लिए रखा है? अब चलते हैं हम दूसरी वाले जगह पे, दूसरा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी लेक है वैसे। ओके, तो यहाँ पर जाने के लिए ये वाला रोड बन रखा है, यहाँ से हम जा सकते हैं। आई थिंक इस वाले लोकेशन पे तो हम जा ही पाएंगे, पिछले वाले लोकेशन पे तो हमें जाने नहीं दिया, यहाँ पर तो जा सकते हैं भाई। रोड के बीच में पेड़ लग रखा है, कम से कम उसको तो काट देते। चलो कोई बात नहीं, हम इसको खरीदेंगे तो हम ही कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जगह तो बहुत सही है। ओ भाई, अरे रुक जा, ओ भाई रुक जा, अरे पानी में जाएगा ये, ब्रेक लगाओ भाई इसमें, ये तो चलते ही जा रहा है, पानी में चला जाता है अभी भाई। ये जगह देखो गाइस बहुत सही नहीं है, और नाइस, यहाँ पर स्पेस तो बहुत अच्छा खासा है। इसको हम बाई कितने में कर सकते हैं? 3000 भाई, 3000 तो इजिली हो जाएगा गाइस। ये लैंड हमारा हुआ, हम इसको बाई करने वाले हैं, सिर्फ 3000 रुपये अपने को चाहिए, और इतनी बड़ी ज़मीन हम यहाँ पर खरीद सकते हैं, और यहाँ पर मस्त फार्मिंग भी कर सकते हैं। पीछे इतना बड़ा लेक है, इसमें हम मस्त फिशिंग भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फाइनल करते हैं इसको, हम इसको लेने वाले हैं। अभी चलते हैं फटाफट से, पहले पैसे वैसे कमाते हैं, क्योंकि पता चला भाई कोई और आके ले जाए, इससे अच्छा कि मैं फटाफट से पैसे इकट्ठे करूँ और इसको परचेस करते हैं। और एक चीज़ मैं और देखना चाहता हूँ, वेट, इस कार को यहाँ पर रोको, और इसमें भी तो स्पेस होता है ना, स्टोरेज। भाई 5 का स्टोरेज, शर्म नहीं आती तुम्हें? सिर्फ 5 का स्टोरेज दे रखा है भाई, ये क्या बात होती है, इतना कम स्टोरेज।
और आई थिंक अगर मुझे इसका स्टोरेज अपग्रेड करना है ना, वो जो कार वाली शॉप थी ना टाउन में, शायद से वहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपग्रेड करने के लिए आ रहा था जब पिछली बार हम गए थे वहाँ पर चेक करने ना, तब आ रहा था वैसा। और अभी टाइम भी हो चुका है, रात भी होने वाला है, तो हम अभी यहाँ पर चलते हैं, कुछ चीज़ें और बाई कर लेंगे घर के लिए, क्योंकि अभी ना बहुत कम सामान है हमारे घर में। सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सेल कर देते हैं, ये पूरे लॉक को सेल करो। कितने पैसे हो जाएंगे, 2000 हो जाएगा क्या? आई थिंक 2000 हो जाएगा। अरे यार 2000 में थोड़ा सा रह गया। नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अरे बैठना नहीं है भाई इसका स्टोरेज। हाँ ये सामान लो और इसको करो सेल, आराम से 2000 हो जाएगा गाइस। ये देखो ये करो सेल, ये 2000 रुपये आराम से हो गए। और मुझे वो बाय करना था, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, पानी देने वाले को क्या बोलते हैं, टूल्स में होगा ना, वाटरिंग कैन, हाँ ये बाय करना था, क्योंकि भाई मैं ना प्लांट लगा दिया उस पर पानी देने के लिए कुछ है ही नहीं। पेंट ब्रश, पेंट ब्रश भी बाय कर लूँ क्या? पेंट कर सकता हूँ शायद से, एक बाय कर लेता हूँ गाइस। प्लांट तो अभी नहीं बाय करना मुझे, फूड है मेरे पास थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ, और लाइट वगैरह भी बाय नहीं करना। किचन का आइटम थोड़ा सा बाय करना है, अभी 1800 रुपये है ना, तो बाय कर लेता हूँ। नहीं किचन का आइटम बाय करने से पहले पहले तो मैं शॉटगन की एमओ बाय करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 100 बाय कर लूँ क्या? वेट ये कितना स्टोरेज लेता है? हैं एमओ कहाँ गया? 50 एमओ बाय कर लिया। ओ नो डर गया रे बाबा, ऐसे मत कड़का करो भाई, ऐसे अचानक से बिजली कड़कती है, सच में डर जाता हूँ भाई। बाथरूम की चीज़ें लेनी थी यार, लेकिन बाथरूम बनाऊंगा कहाँ पर, कुछ है ही नहीं। अरे यार रुक जाओ, मुझे कुछ सामान किचन का बाय कर लेने दो। एक काम करता हूँ, डाइनिंग टेबल ले लेता हूँ और कैबिनेट ले लेता हूँ एक, किचन सिंक ले लेता हूँ और एक कैबिनेट ले लेता हूँ। ये कौन सा कैबिनेट है भाई, पता नहीं क्या लेते जा रहा हूँ। टोस्टर, अच्छा टोस्टर बाय कर लेता हूँ। चाकू वगैरह बाय कर लेते हैं, और ये भी जो टूल्स है वो भी बाय कर लेते हैं। ये क्या है, टॉवल, टॉवल दे दो। कुकिंग रेंज 500, अभी मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं ना, ये दे दो। बहुत सारा सामान हमने यहाँ से बाय कर लिया, अब चुपचाप से घर को निकलते हैं भाई। घर को जाने से पहले ना थोड़ा सा और बाय कर लें क्या, 200 रुपये और पड़े हुए हैं। फूड नहीं, लाइट्स ले लेते हैं, ये टेबल लैंप ले लेता हूँ, घर में थोड़ा सा उजाला हो जाएगा। और टॉवल ले लेता हूँ, ऐसे ही कहीं पर लगा दूंगा बाहर नहा के आके बस। अरे यार अभी गाइस मुझे घर निकलना पड़ेगा, बहुत बारिश होने लग गया। मैं घर पे चुपचाप से जाके सोने वाला हूँ और उसके बाद सुबह को हंटिंग करेंगे, लेकिन अभी रात हुआ ही नहीं है गाइस। रात होगा तब तो सोएंगे। यार ये भी दिक्कत, ओह वेट वेट, इसको मारो इसको मारो, कहाँ गया कहाँ गया, दिख नहीं रहा भाई, ये दिख रहा है। अरे अरे रीलोड करो यार, गन में एमओ ही नहीं है भाई, कोई बैंड बजा के चला जाएगा और मैं रीलोड करते रह जाऊंगा। लगा क्या? आ ये एक बार में गायब भाई, ऐसे तुक्के में लग गया इसको भाई। कुछ ज्यादा अंधेरा नहीं हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा। और अभी मैं घर जाऊंगा ना, पक्की बात है ये सोने नहीं देंगे, बोलेंगे भाई अभी रात नहीं हुआ है चुपचाप से काम करो। अब इतने अंधेरे में काम कैसे करे भाई, सोने भी नहीं देते, जबरदस्ती का है इनका, कुछ भी करवाते हैं ये। ये घर की लाइट किसने बंद कर दी भाई, पहले लाइट ऑन करो। ओ भाई लाइट ऑन करने के बाद तो मस्त लग रहा है, ये भी ऑन करो भाई, उजाला ही उजाला चाहिए हमें। इधर एक लाइट है, ये भी ऑन करो, कहाँ गया, ये ऑन करो। अरे नहीं इधर एक लाइट लगाया था ना भाई, ऐसे ढूंढना पड़ जा रहा है कि लाइट कहाँ गया। और ये लाइट कहाँ लग रखा है भाई, इसको पहले यहाँ से निकालो। अरे यार छत गायब कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, छत गायब नहीं करना था, ये लाइट गायब करना था भाई, गलती से छत ही उड़ा दिया। फाइबर रूफ, 4 फाइबर हैं, फाइबर कहाँ गए गाइस? एक तो फाइबर कहीं गायब हो गया यार, मिल ही नहीं रहा, और बिना फाइबर के मैं इसको बनाऊँ कैसे, मेरे को चाहिए फाइबर। ये लगाऊंगा तो कम पड़ रहा है ये तो। ओ नो कोई बात नहीं गाइस, आज बारिश में ही सोना पड़ेगा, चलो चुपचाप से सो जाता हूँ और सुबह को इसको सही करता हूँ। ओके सुबह हो गई मामू, लेकिन अभी भी यहाँ पर मस्त बारिश चल रहा है। फाइबर लेके आता हूँ पहले तो, और अब इसको ऐसे प्रॉपर बना दो,
भाई कितने टाइम से भीग रहा था, पूरी रात मैं भीग भीग के सोया हूँ। अभी बहुत सारी चीजें लाया था ना, उन सारी चीजों को यहाँ पर रखता हूँ, जैसे कि ये डाइनिंग टेबल है ये रख देता हूँ, किचन भी बनाना पड़ेगा मेरे को। अभी के लिए इसको यहीं पर रख देता हूँ। एक काम करते हैं, इसके ऊपर टेबल लैंप रख देता हूँ, ठीक है, इसको जला देता हूँ। चलो नाइस। और उसके बाद टूथब्रश जो है अपना हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ से ब्रश लेके ब्रश कर सकते हैं। और उसके बाद टॉवल वगैरह है वो भी हम यहीं पर लगा देते हैं, टॉवल हमारा यहाँ हो जाएगा। बाथरूम नहीं है तो अभी हम बाहर ही ऐसे काम चला लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कुकिंग रेंज ये जो है ना हम यहाँ पर लगाते हैं कुकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास किचन भी नहीं है, एक छोटा सा घर है हमारे पास, सारी चीज़ें हम यहीं पर करने वाले हैं। बाकी टोस्टर है तो टोस्टर को हम कहाँ पर रख सकते हैं भाई, टोस्टर इसके ऊपर रख सकता हूँ क्या? इसके ऊपर टोस्टर रख के इसमें पका सकता हूँ, एक्टिवेट है। ओ भाई ये वर्क कर रहा है क्या? इसमें क्या कर सकते हैं हम? कुक कर सकते हैं। ब्रेड को कौन कुक करता है? मीट कुक करना चाहूँ तो कुक करो इसको। ओ भाई 3 मीट डाला था, 1 मिला। ओ भाई 2 मीट खुद खा गया, बड़ा ही नल्ला है भाई, 2 मेरा मीट खुद खा गया, 3 मीट डाला, 1 मीट इसने वापस दिया। भाई ये क्या बात होती है, मैं नहीं पका रहा इसमें कभी। बाकी ये जो बैज वगैरह मिले हैं ना, बैज को मैं लगा सकता हूँ, देखो जैसे एक यहाँ पर लगा देता हूँ ये, और एक बैज अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। आजा। ओ नाइस। ओ भाई साहब देख रहे हो गाइस, सही है। और अभी मैं देखता हूँ पेंट वाले का क्या सीन है, टॉवल तो यहाँ पर है। अभी बहुत सारी चीज़ें लाया था ना, केबिन वगैरह। वैसे ये गेट देखो अभी बंद रहता है, इस गेट से कोई मतलब नहीं है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊं और इस टोस्टर को यहाँ पर रख दूं इसके ऊपर, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? ये क्या है, किचन सिंक। किचन सिंक को हम कहाँ पर लगा सकते हैं? अभी के लिए इसको मैं इधर को लगा सकता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, जब किचन बनाएंगे तो इसको शिफ्ट कर देंगे, अभी के लिए ये यहीं पर रहेगा। बर्तन कैसे धोऊं भाई, बर्तन तो धो ही नहीं सकता। ब्रश कहाँ गया? अच्छा ये रहा पेंट ब्रश, तो इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो इससे मैं पेंट कर सकता हूँ कैसे? हैं ये क्या है भाई, कलर कैसे चेंज करूँ? अच्छा ऐसे कलर चेंज होगा, इतना इजी है पेंट करना? ओ भाई भाई पेंट करने के बाद तो सही हो जा रहा है। ओ नाइस, पेंट करने के बाद तो मस्त चमक रहा है घर गाइस। पट्ट से पेंट करता हूँ हर एक चीज को, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब पेंट कर दूंगा, पूरा व्हाइट करूंगा अंदर से, मस्त लगेगा देखने में। फ्लोर को कैसा करूँ, वेट येलो ऐसे। ओ नाइस, अच्छा लग रहा है, सही है सही है सही है। इसको इधर कर दो, ये यहाँ पर कर दो। गेट को नहीं कर सकता, गेट पेंट नहीं हो सकता, ये क्या बात होती है, हो रहा है क्या? इसको भी पट से पेंट कर देता हूँ, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई आज का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं बाहर नहीं जाने वाला, मैं घर पे ही रहूँगा। भाई साहब क्या लग रहा है, और बाहर का पेंट इससे करूँ या ये अच्छा लग रहा है? नहीं ये नहीं यार, कलर के ऑप्शन ही नहीं है गाइस, क्या करें यार, वाइट ही कर दे इसको, ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, यही कर देता हूँ ना, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, छत को भी पेंट कर सकते हैं। ओह नाइस भाई, कुछ भी पेंट कर देता हूँ, सही है, जो भी है चलेगा। बाहर साइड से इसको पूरा पेंट कर देते हैं, ये लो ये साइड से पूरा पेंट। ओ भाई गाइस एक बार अपना घर देखो, क्या सही लगने लग गया। अरे ये ऊपर वाला रह गया, रुको रुको रुको, ये भी पेंट करो भाई, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। और ये भी कर सकते हैं? नहीं, उसको तो पेंट नहीं कर सकते। इधर साइड से ये कर देता हूँ, इधर साइड से ये कर देता हूँ, नाइस। ये रहा गाइस अब अपना घर, जो कि बहुत ज़्यादा सही लगने लग गया है। सिर्फ एक चीज़ बेकार है कि हम गेट को पेंट नहीं कर पा रहे हैं, गेट को भी पेंट कर पाते तो सही रहता, ये देखो हो ही नहीं रहा है। एक चीज़ और कर देते हैं, इसको रखो यहाँ पर, इसको लो और पट्टे से पानी भी दे देता हूँ, जिससे कि मेरा जो फार्मिंग वाला है ना वो भी होता रहे। ओ भाई इतना पानी बरस रहा है, इसमें पानी नहीं आ रहा, मुझे ऐसे पानी देना पड़ रहा है, क्या लॉजिक है भाई गेम का। सही है सही है, ये भी ठीक है। अभी काम करते हैं, थोड़ी सी हंटिंग कर लेते हैं भाई, ये यार मौसम का क्या करूं भाई मैं, एक दिखा अपने को, हेड पे मारूं क्या? आ ये बैज अनलॉक स्नाइपर। ओ भाई क्या अनलॉक हुआ,
पहले इसको उठाओ, रुको रुको रुको, वेट, ऐप से हम कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? कस्टमाइज कर सकते हैं। ओ भाई ये क्या चीज़ है, ये तो मैं अब भी देखा। अरे अपनी गन देखो गाइस कितनी सही हो गई। आ ये टेक डाउन 5 एनिमल्स विद वन शॉट, तो हमने वन शॉट मारा है हेड पे तो ये अनलॉक हुआ है। अभी हम 10 मारेंगे तो स्नाइपर सेकेंड अनलॉक होगा, इसका रिवॉर्ड अपने को मिलेगा आयरन साइट। अच्छा, और स्नाइपर मिलेगा अपने को थर्ड पे। ओ ये बात है, अब भी कंप्लीट करता हूँ। ये लो हेडशॉट चाहिए ना, रुक जा प्लीज़ रुक जा प्लीज़ रुक जा प्लीज़ रुक जा। आ ये हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट, ये भी हेडशॉट था। चलो चलो चलो, तुम्हारा भाई प्रो हेडशॉट पे हेडशॉट मारेगा। कितना चाहिए था इसके लिए? 15 चाहिए था ना, अब भी मारता हूँ। स्नाइपर चाहिए अपने को, अब भी अपने को स्नाइपर मांगता है। यहाँ से सीधा हेडशॉट। अरे यार ये नल्ली शॉटगन भाई, इतना अच्छा एम करके मारो फिर भी नहीं लगता। प्लीज हेडशॉट, सर दिख रहा है मुझे। अरे यार रिलोड आ गया, प्लीज जल्दी हो रिलोड, मेरे सामने ही आ रहा है, भग जाएगा। आ ये हेडशॉट, चलो ये भी निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है। किधर किधर, एक और दिखा। यार ये भग जाते हैं ना देखते ही, कहाँ जाओगे भाग के? ये रुका हुआ है, एक और हेडशॉट। अरे यार इस गन की तो ऐसी की तैसी। नो, डरा दिया भाई। चलो चलो आराम से आराम से आराम से। अरे भाई इनके पास जाओ ना तो ये भग जाते हैं, आवाज ना करो तो भी। आ रहा है एक और हेडशॉट गाइस, ये तो कंफर्म हेडशॉट है। आ ये देख रहे हो, हंटिंग में प्रो हो गया भाई। एक जमाने में हम 10 बुलेट में एक को मारा करते थे और अब हम एक शॉट में एक को निपटा रहे हैं। लोमड़ा दिखा। यार ये भग जाता है, इसको हेडशॉट मारना बहुत मुश्किल नहीं है, इतना छोटू सा दिखता भी नहीं है। पड़ा कहाँ गया यार, इतना पुद्दू सा है भाग जाता है। ये देखो कितनी तेजी से भाग रहा है। यहाँ पर रुका, रुक जा लोमड़े रुक जा, मर जा एक बार, मर जा प्लीज। यार ये कितना भागता है भाई, ये बहुत बुलेट वेस्ट करवाया मेरा, 4 बुलेट वेस्ट करवा दिया भाई इसने। इसको नहीं मार रहा भाई लोमड़े को। हैं कहाँ गया मैं? अरे यार मैं पैदल चलते चलते यहाँ पर शॉप पे आ गया। वाह भाई वाह, देख रहे हो यहाँ पर आ गया मैं। ओ एक और दिखा एक और दिखा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, इतनी लंबी लंबी छलांग लगा रहे, कंगारू हो क्या? हेडशॉट। आ ये अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, फिशिंग रॉड भी परचेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं उधर साइड को जंगल में, उधर भी थोड़ी बहुत हंटिंग करेंगे। वेट वेट वेट, जितने दिखते जा रहे हैं ना उनको तो निपटाते चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको भी हेडशॉट मारना है सिर्फ, रुक जा प्लीज़ रुक जा। हाँ थैंक यू थैंक यू, ये लेट शॉट, बैज अनलॉक हो गया गाइस, सेकंड स्नाइपर। आ ये भाई कितनी जल्दी अनलॉक कर दिया, अपने को आयरन साइट मिल चुका है और ये अनलॉक करेंगे, 5 और एनिमल को हेडशॉट मारेंगे और ये भी अनलॉक हो जाएगा। ओ नाइस, ये देखो गाइस आयरन साइट लग चुका है, कार 98 अब चलाएंगे हम। आ ये चलो, ये ले और हेडशॉट। आ ये भी हेडशॉट लगाता ना, अभी अभी एक और की साउंड आई थी इधर। अच्छा ये फॉक्सी है, इसको तो ऐसे ही निपटा देता हूँ। अरे यार इसको मारना बहुत मुश्किल होता है भाई, फुद्दू सा होता है, कहीं से भी भग जाता है। चलो उसको छोड़ो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, अभी मेरे पास खाना भी नहीं है और ये सब सेल कर देता हूँ। क्या क्या सेल करना है मुझे, ये सेल कर देता हूँ और ये भी सेल कर देता हूँ। इसका काम क्या है मेरे को, ये बहुत महंगे बिकते हैं, सब सेल कर देता हूँ, जितना भी मीट वगैरह मिला है। नहीं मीट को छोड़ के, मीट मेरे खाने के काम आ जाएगा, मीट को छोड़ के सारी चीज़ें सेल कर देता हूँ। और ये क्या है, अरे ये बाय ही नहीं कर सकता गाइस कैसे? अच्छा ये सेल में हूं ना, अरे भाई क्या गधा हूं यार, ये है ना फिशिंग रॉड, क्या नल्ला इंसान हूं भाई मैं। वैसे मैं फिशिंग रॉड बाई किया था क्या पहले? नहीं फिशिंग रॉड तो पहले बाई नहीं किया था, अभी ये रख लो। और 15 मीट है मेरे पास, थोड़ा सा मीट सेल कर देता हूँ। 1 2 3 4 2500 रुपये हो गए मेरे पास, चलो थोड़े और सेल कर देते हैं क्योंकि अभी हंटिंग करेंगे ना तो फिर से मेरे पास आ जाएगा मीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2300 रुपये मेरे पास फिर से हो चुके हैं, इन्वेंटरी पूरी खाली है, थोड़ा सा खाना है तो ये खा लेता हूँ, फिर से चलते हैं हंटिंग पे। किसी का साउंड आया, ये भी हेडशॉट, क्या बात है। सिर्फ 3 और गाइस, अभी 3 और को निपटाता हूँ। एक और दिख गया एक और दिख गया, ये भी हमारा हेडशॉट ही है, आराम से मारूंगा।
रुक जा प्लीज, रुक जा प्लीज, रुक जा 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 भाई, रुक जा। ये रुक गया, ये ले। नाइस, सिर्फ दो और गाइस। अरे भाई मिस हो गया यार, इसको उठाने के चक्कर में भग गया, नहीं तो ये भी प्रॉपर हेडशॉट था, एकदम रुका हुआ था ये। रुकेगा तभी मारूंगा, रुक गया। चलो एक और गाइस, एक और हमें स्नाइपर मिलने वाला है भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ स्नाइपर के लिए। कोई और दिखो, कोई और दिख जाओ, एक सिर्फ चाहिए, मिल जाओ कोई। ये लोमड़े को नहीं मार रहा, एक तो लगता नहीं इसको। अच्छा आ रहा है ना, तो मे भी हेडशॉट लग सकता है। रुक जा प्लीज, रुक जा भाई, रुक गया रुक गया। ओ नाइस, अनलॉक हो गया गाइस, स्नाइपर अनलॉक हो गया गाइस, क्या बात है। अगर हम यहां से स्नाइपर लें तो ये हुई बात, ये देखो। ओ भाई इतनी दूर तक हम देख सकते हैं, अरे कहाँ गया। पहले रीलोड करो और अब देखना कमाल, अब कैसे मारता हूं। एक चीज नहीं समझ आई, शॉटगन में स्नाइपर, भाई रेंज तो इसकी कमी होती है ना, स्नाइपर लगाने से क्या हो जाएगा। कोई दिखा, ये देखो अब प्रॉपर हेडशॉट मारते हैं, ये लो पट से गायब भाई। अब देखना तुम्हारे भाई का एम, अब तो एक बुलेट में एक को निपटा दूंगा। बट अभी हम चलते हैं यहां से, थोड़ी सी फिशिंग करते हैं। फिशिंग करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, या तो हम लेक में जा सकते हैं या तो रिवर में जा सकते हैं ना। तो काम करता हूँ, पहले रिवर में चल के देखता हूँ। ओके चलो, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब हम यहाँ पर चलते हैं, फिशिंग करते हैं गाइस। आ जा मछली है, ये तो फिशिंग बेट फेंक ही नहीं रहा भाई, ये क्या बात होती है, रिवर में फिशिंग नहीं कर सकते क्या गाइस। गाइस ये क्या बात होती है, इतना महंगा फिशिंग रॉड खरीद के लाया, मैं फिशिंग कर ही नहीं पा रहा, तो फिर इसका मतलब क्या है। गेम में दिया कि वो इन्होंने, पानी में नहा सकता हूँ क्या। ओ ये कैसी नदी है भाई, इसमें तो मैं डूब भी नहीं पा रहा। छी, मतलब थोड़ा तो डूबना चाहिए। ओ एक और दिखा, स्नाइपर है हमारे पास भाई, जितने दिख रहे हैं सबको हेडशॉट पड़ेगा। ये आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही हम अनलॉक करते हुए चलते हैं। हंटर सेकंड हैं, अच्छा स्नाइपर अलग है, हंटर अलग है, भाई क्या बात है। हंटर थर्ड के लिए 50 एनिमल मारने होंगे। ओके तो ये सीन है, इधर को क्या है गाइस भाई, ये नदी कितनी दूर है। ओ वो क्या दिख रहा है, वाटरफॉल। ओ भाई यहाँ पर वाटरफॉल भी है गाइस, ये देखो इस पहाड़ के नीचे से वाटरफॉल आ रहा है, तो ये नदी वहां से आ रही है। ओके अब समझा, तभी मैं कहूँ कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। चलो एक काम करते हैं गाइस, वहां पर चलते हैं गाइस, बहुत दूर पैदल चलना पड़ गया और ये वाटरफॉल देखने को मिला भाई साहब। भाई मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर वाटरफॉल होगा। ओ भाई साउंड देख रहे हो क्या, मस्त आ रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही आ रहा है, कम करना पड़ेगा भाई। गाइस देखने में तो बहुत क्रेजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो नाइट भी होने वाला है, मुझे जाना पड़ेगा यार, डे टाइम में आना चाहिए था। लेकिन एक बैज भी था ना, वेट, वाटरफॉल का बैज भी था, मैंने देखा हुआ था शायद से यहाँ पर कहीं पर, ये रहा ना, तो ये मिला क्यों नहीं अभी, इसके पास जाऊँ क्या। ओके अब ये अनलॉक हुआ है, वाटरफॉल का बैज, क्या बात है गाइस। जो भी है मजा आ गया एक और नई चीज एक्सप्लोर करके। अभी रात होने वाला है तो मैं पट से यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पर इतना अंधेरा हो जाएगा कि कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैं फटाफट से वापस जाता हूँ कार के पास, और बहुत दूर है भाई, देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरा पैदल चल के आ गया, तो अभी जाने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। ओके गाइस तो ये नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं उस वाटरफॉल से सीधा घर आया और चुपचाप से सो गया, क्योंकि काफी रात हो चुका था। अभी गाइस हमने फिशिंग बिल्कुल भी नहीं किया, रिवर में तो फिशिंग नहीं कर पाया, तो अब मुझे चल के चेक करना पड़ेगा कि कहीं और पर हम फिशिंग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फिशिंग नहीं हो पाया, एक जगह यहाँ पर है जहाँ पर कि हम जा नहीं सकते, एक जगह ये है जहाँ पर कि जाके देख सकते हैं, ये वाले रोड से यहाँ से सीधा जाएंगे तो इस वाले जगह पर जा सकते हैं। तो चलते हैं अब वहाँ पर, चेक करते हैं कि वहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ फिशिंग रॉड दे दिया है, फिशिंग ही नहीं कर सकते। ओ भाई ये जगह तो कुछ ज़्यादा सही लग रही है, काश इसके पास घर बना सकते। वेट इसको रोको यहाँ पर, और अब यहाँ पर चल के चेक करते हैं कि यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं भाई, यहाँ पर भी नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, ओके ओके डाल दिया फिशिंग बेट, ठीक है।
और ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या गोल गोल घूम रहा है, लोडिंग हो रहा है क्या? शायद से फिश का वेट कर रहे हैं गाइस, फिश आएगी उसके बाद है। क्या कर दिया मैंने, फिश आई क्या? अरे यार गलती से कैंसिल कर दिया, रुको रुको रुको, समझ गया समझ गया समझ गया गाइस। भाई इतना टाइम लगता है एक फिश पकड़ने में, अभी वो हरा हरा आएगा पता नहीं, कुछ तो करना पड़ता है उसको भी। आ गई आ गई आ गई, एक मछली आई, आ ये नाइस नाइस। फंसी मछली, फंसी क्या? ओ मिल गई ब्लीक। ये कौन सी फिश होती है भाई, पहली बार नाम सुना मैंने। एक फिश हमने पकड़ लिया गाइस, एक और फिश पकड़ते हैं, लेकिन काफी टाइम लग रहा है इसमें फिश पकड़ने में, बट कोई बात नहीं, फिशिंग करने का भी अपना एक अलग मजा है, मस्त बैठ के कुरकुरे खाते हुए फिशिंग करते रहो, चिल है एकदम। चलो एक और आ गई नाइस, ये लो। कौन सी मिली ये? रट। ये कौन सी फिश होती है भाई। चलो एक और मछली फंसी, आ जाओ तुम भी। इसको सेल भी कर सकता हूँ ना, इसको पका के खा भी सकता हूँ, इसको सेल भी कर सकता हूँ। टोटल 4 फिश हमने पकड़ लिया है, सही है, 4 तो बहुत होते हैं। अभी इसको चल के सेल करेंगे, देखते हैं इससे कितना पैसा हमारा बनता है। अब यहाँ से हम निकलते हैं, कार में फ्यूल है ना, कार में फ्यूल है। ये वाला रोड कहाँ पर जाता है? ये वाला रोड यहाँ से सीधा जाता है यहाँ पर, एक ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी चल के देख सकते हैं। हमने ये देखा हुआ है लेने के लिए, ये भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा। नहीं जा रहा भाई मैं, वापस जा रहा हूँ मैं। इस वाले रोड से जाएंगे ना तो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी है जो कि हम जाके देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पास है, तो इसके यहाँ पर चल के देख लेते हैं। ओके नाइस, आ गए यहाँ पर हम, इधर ही रास्ता गया हुआ है ये रहा। बट इसके आजू बाजू में लेक नहीं है भाई, यही तो दिक्कत है, ये फिर वही जंगलों वाला है। ओ भाई 2500 रुपये में, अच्छा वो लेक के बाजू में था इसलिए वो ज़्यादा महंगा था, ये देखो 2500 रुपये में अपने को मिल रहा है। लेकिन नहीं गाइस, 500 रुपये का फ़र्क है ना, तो हम ये वाला नहीं खरीदेंगे यार, हम यही वाला खरीदेंगे, ये वाला ज़्यादा बेटर है। कार को लेके चलते हैं, पहले फ्यूलिंग पे लगा देते हैं क्योंकि भाई फ्यूल रहना चाहिए। ये कौन है? वेट, ये कोई तो दिख रहा है। इसको यहाँ पर खड़ी करो, रुको रुको रुको, ये बंदा नया नया दिख रहा है मुझे, सॉरी बंदी है तो। टो कार, ओ तो अब हमारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ये टो करने आएगी $100 में। मैं ऐसे ही टेंशन ले रहा था कि कार का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर हम फंस जाएंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टो का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहले तो लॉक को पूरा सेल कर दो, लॉक सेल करने में 2500 हो जाएगा, अरे नहीं यार 2200 हुआ, कोई बात नहीं, ये सेल कर दो 2300। ये क्या बात होती है भाई, 3300 हो गए, सही है सही है। इसको भी सेल करो 3600, भाई पैसे ही पैसे गाइस, $40 में ये बिकती है, 50 में ये बिकता है। ओ ऐसा क्या, 3800 रुपये हो गए भाई, थोड़े से मीट बेच दूँ क्या, 4000 हो जाएगा, हो जाएगा। आइए गाइस, आज हमने 4000 रुपये कमा लिए। एक चीज़ और देखता हूँ कि अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं कार का स्टोरेज, क्योंकि देखा था मैंने कार का स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं। भैया जी हमारी कार को अपग्रेड कर दो फटाफट से यार, यहाँ पर 2-3 कार खड़ी है, काश खरीद पाते मज़े ही आ जाते। चलो कार से उतरो, इसको करो परचेस, क्या करना है अपग्रेड, पेंट भी करवा सकता हूँ क्या? ओ रेड करवा दूँ क्या? वाइट से बोर हो गया, मैं सोच रहा हूँ पेंट करवा दूँ गाइस, 250 भी लग रहा है, रेड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, गैस फ्यूल वाला बढ़ जाएगा मीटर, ये स्टोरेज बढ़ाने के लिए। अच्छा 500 में स्टोरेज बढ़ा सकता हूँ, ओके अब 1000 करूँगा तो और बढ़ेगा, ठीक है अब 1500 करूँगा तो और बढ़ेगा, कितना बढ़ा? अरे ड्राइव नहीं करना रे बाबा, ये तो बैठ जाता है हर वक्त, मुझे स्टोरेज चेक करना है। ओ नाइस, अब हम इसमें काफ़ी सामान रख सकते हैं, तो एक बार और यहाँ पर 1500 रुपये इसको देते हैं। नहीं यार फिर मैं भिखारी हो जाऊंगा भाई, मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, अभी के लिए इतना स्टोरेज रहने देते हैं गाइस। अभी कार को देखते हैं कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने अभी रेड करा दिया है ना। ओ भाई अब भी चमक रही है हमारी कार गाइस, ये देखो बहुत सही लग रही है, अब रेड रेड। आज हमने बहुत कुछ कर लिया, हमारे पास स्नाइपर आ चुका है, हमने एक वाटरफॉल को एक्सप्लोर किया, उसके बाद फिशिंग वगैरह किया, और आज हमने बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए, गाड़ी की कलर को चेंज कर लिया, स्टोरेज बढ़ा लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नई जगह परचेस करेंगे और फिर वहां पर एक प्यारा सा घर बनाएंगे। तो चलो आज की वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।